हम बस में तो बैठ चुके हैं, पर बस में मिस्टर मुनीश कुमार अकेले बैठे, पूरी बस खाली है क्योंकि बस स्टैंड से हम अभी चले हैं। टंगमार्ग से हम चल के अभी यहाँ आ चुके हैं श्रीनगर में। श्रीनगर में ये चौक है टैंक चौक, और यहाँ से अब हम जाएंगे सीधा डल गेट। ये वाला रास्ता सीधा डल गेट जा रहा है। सो गाइस हम आपको सो गाइस बस ने हमें यहाँ डल गेट के पास उतार दिया, और अब हमें जाना है सीधा बिल्कुल स्ट्रेट घाट नंबर एक की तरफ जाना है हमें सीधा। आइए चलते अब हम आपको आगे। सो गाइस हमें यहाँ डल गेट पे उतार दिया बोट बस ने, तो इससे आगे हम जाएंगे अपने होटल में। हमारा होटल थोड़ा आगे है, अभी यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा जाना है। आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं ये डल लेक है, इसमें बोट खड़ी है। गाइस यार ये एक चौक आ चुकी है, आप देख रहे हो लेक के साथ चलते चलते ये चौक से ये सीधा जा रहा है घाट नंबर एक की तरफ। हमें वहां नहीं जाना, हमें लेफ्ट की साइड बिल्कुल सीधा जाना है, और आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कहां पर हमारा रूम है। सो अभी ये चौक क्रॉस करके हम चलते हैं सीधा आगे। सो उस चौक को क्रॉस करके यार आप थोड़ा सा आगे आओगे ना, तो आगे आगे आपको एक ये कट दिखेगा, ये सामने जहां से ये गाड़ी आ रही है, इस कट के सामने बिल्कुल आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ना जाकत सौर फैक्ट्री। सो इस चौक को क्रॉस करके हमें उस आप जाना है। सो अभी आपको ले चलते हैं हम उधर। सामने जाकत सौर फैक्ट्री, इधर से हमें राइट को टर्न करना है। इस तरफ होटल मेगा टू ये देख सकते हो, इससे थोड़ा सा आगे चलना है हमें, आपको थोड़ा सा ही आगे आना है। ये पास में आपको दिखेगी ये दुकान, फास्ट फूड की दुकान है, और इसके पास एक फल फ्रूट की रेडी लगती है, आप देख सकते हो गाइस फल फ्रूट की रेडी है। और यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है ना नीचे की तरफ, हमें इस रास्ते पे जाना है सर, यहाँ से नीचे ले चलते आपको। सो गाइस ये है घाट नंबर वन के अपोजिट, उधर प्यूमा का जो उसके बिल्कुल अपोजिट है ये। सो देखते जागे अभी हम। सो गाइस हमें मंजूर सर मिल चुके हैं जो हमें अपने होटल में लेके जाएंगे, होटल वही है जो राशिद भाई का है। सो देखते अब होटल कैसे, और आप पहले यही खाली एक होटल था। ओके और कुछ नहीं था खाली। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे, तो अभी एंटर करते हैं और देखते हैं आगे जाके। आपको डोरमेट्री तो अन्नी भाई ने दिखाई रखी है, एक बार मैं भी दिखा देता हूँ। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपने रूम की तरफ, रूम नंबर है 112। सो अभी तो यार हमने आके यहाँ पे अपने बैग वैग ऐसे गिर दिए। सो ब्लैंकेट भी है आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी है इस रूम का, कंडीशन आपके सामने है जैसे भी है, मुझे कमेंट कर जरूर बताना। सो ये आपको वॉशरूम भी दिखाते हैं, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और ये इलेक्ट्रिक गीजर भी है यार, बिल्कुल ओके है कंडीशन तो आप इस रूम की, आप जब कभी भी आओ। सो मेरा नाम ले देना राज चौहान व्लॉग्स। सो बाय, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माई दिस कश्मीर सीरीज। सो इस वक्त हम अपने होटल में, और अपने होटल से हम
हो चुके हैं, तैयार रेडी हो गया। अब हम आज जाएंगे कहाँ पर? आज हम जाएंगे सोनमार्ग। सो गाइज, अगर आपने मेरा गुलमार्ग वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं कैसे अपने शहर त्रावड़ी से श्रीनगर तक पहुंचा। सो गाइज, आज हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपने होटल यानी श्रीनगर से सोनमार्ग के लिए। आज का हमारा रूट कुछ इस तरह रहेगा। हम होटल से निकलेंगे और फिर यहां से कोई हजरतबर के लिए बस पकड़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे कंगन, कंगन के बाद हम पहुंचेंगे सोनमार्ग। सो जैसे भी हमारा रूट रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। अभी आपको मॉर्निंग के व्यूज दिखाते हैं अपने होटल्स के आसपास के। Later. अभी हम मैं उसी चौक पे आ चुका हूँ जो कल शाम को मैंने आपको दिखाई थी। एक बार आप भी ये चौक देखिए, ये वो चौक है। सो अगर आपको हजरतबल जाना है तो हमें इस रास्ते जाना पड़ेगा। ये सीधा रास्ता हजरतबल को ये चौक से, और सामने अगर इस चौक की पहचान बताऊं मैं आपको तो सामने एक मस्जिद है और ये लंडन ड्रीम्स के नाम से कुछ दुकानें हैं। इधर से बस आएगी और इधर को जाएगी। सो गाइज, हम खड़े हैं इस वक्त इस चौक पे और वो बस आप सामने देख भी सकते हो, बस अभी इधर जाएगी। हमें उस बस में बैठकर जाना है हजरतबल। सो हजरतबल से हम जाएंगे कंगन, कंगन से सोनमार्ग। सो आप बने रहिए हमारे। सो गाइस यार, फाइनली हमें बस मिल चुकी है, हम बस में बैठ चुके हैं, आप देख सकते हो। सो अभी इस बस में बैठ के हम पहुंचे हैं कंगन की तरफ। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ सामने से, ये वो बस है और इस बस में हम बैठ के पहुंचे कंगन। सो गाइस, अंकल जी ने हमसे फेयर ले लिया है हजरतबल के पूरे 30 रुपये दो बंदों के। सो अभी हमने फेयर दे दिया और अभी ऑन द वे हम जैसे हजरतबल पहुंचेंगे आपको हम अपडेट। सो गाइज, बस ने हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ से हम कंगन के लिए कोई बस देखते हैं, वहाँ अंदर को कह रहे हैं अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ से हमें कंगन के लिए कोई बस मिलेगी। तो गाइज आइए, यहाँ से हम चलते हैं सीधा अंदर को और देखते हैं कोई बस। A few moments later. कंगन। सो गाइज, हम ये बस मिल चुके हैं कंगन जाने के लिए। सो बस में अभी हम बैठ चुके हैं, अभी तो बस खाली पड़ी है, देखते हैं कितनी देर में बस निकलती है यहाँ से। ये हजरतबल का बस स्टैंड है, आप देख सकते हो। सो अभी बस मिल चुकी है, अभी ये हमारे ड्राइवर साहब है गाड़ी के। अभी कितना कितने देर में निकलेंगे हम यहाँ से? निकल गए हम, निकल के तो सवारियाँ तो है नहीं अपनी बस में, ऐसे चलना है रास्ते में आती। सो गाइज, हम बस में तो बैठ चुके हैं पर बस में मिस्टर मुनीश कुमार अकेले बैठे, पूरी बस खाली है क्योंकि बस स्टैंड से हम अभी चले हैं और अभी हम आगे जा रहे हैं हमारे। अभी हम पहुंच चुके हैं गंदरबल और गंदरबल से कंगन भी दूरी लगभग 19 या 20 किलोमीटर है। सो लगभग उसका टाइम हमें लगेगा, कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट तक, 40 या 45 मिनट हमें समय लगेगा कंगन पहुंचने में और उसके बाद हम जाएंगे सोनमार्ग। अभी हम पहुंच चुके हैं कंगन बस स्टैंड पर, आप मेरे पीछे देख सकते हो ये कंगन बस स्टैंड है और अभी हमें आगे जाना है सोनमार्ग को। ये सीधा रास्ता जा रहा है सोनमार्ग, जहां से हमें
बस या कोई गाड़ी हायर करके हम पहुंचेंगे सोनमार्ग। सोनमार्ग के लिए डायरेक्ट कोई बस गाड़ी नहीं जा रही है, तो हमें गगनगिरी तक की गाड़ी मिलेगी। तो हम देखते हैं हमें कोई गाड़ी मिलती है गगनगिरी की, तो गगनगिरी पहुंच के आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इसी तरह इस वीडियो में, अभी तो हम वेट कर रहे हैं। तो गाइज मुझे इस गाँव का ठीक से नाम नहीं पता था, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मैं बार बार गगनगिरी बोल रहा हूँ। उसका सही नाम है गगनगिर, तो उसके लिए आपसे सॉरी। सो गाइज यार गाड़ी हमें मिल चुकी है, गाड़ी में हम बैठ चुके हैं और अब कंगन से निकल चुके हैं गगनगिरी की तरफ। तो आपको सफर दिखाते रहेंगे आप बड़े। So is it a love and I like when you say I'm the one, so is it a love, yeah is it a love, yeah. So guys अभी हम जा रहे हैं गगनगिरी की ओर, और रास्ते के ब्यूटीफुल व्यूज आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखिए और बताइए और कमेंट कर मुझे जरूर बताइए आपको ये व्यूज देख के कैसा लगा। सो अभी ये गाइज हम लगभग पहुंच ही गए गगनगिरी में, और सो गाइज यार गाड़ी वाले ने हमें यहाँ पीछे उतार दिया, हमारी गाड़ी पीछे आप देख सकते हो, और यहाँ पर जाम लगा हुआ है बहुत लंबा, आप देख सकते हो दूर तक। तो इस जाम की वजह से उसने हमें यहीं उतार दिया और हमें जाना है आगे, ये है गगनगिरी। सो हमें जाना है सोनमार्ग, तो देखते हैं गाइज हम सोनमार्ग कैसे पहुंच पाते और आपको ले चलते आगे। आप जाम देख सकते हो कितना लंबा लगा हुआ है जाम। सो गाइज यार गगनगिरी से हमारी टैक्सी ने हमें यहाँ छोड़ दिया, आगे के लिए कोई टैक्सी नहीं मिली, तो अभी हम पैदल चल रहे हैं, देखते हैं कितनी दूर तक हम पैदल जा पाएंगे। तो अभी आप ये साइन बोर्ड देखिए, कोई गाड़ी रुकवाएंगे और हम पहुंच पाएंगे क्या आज सोनमार्ग। सो आप हमारे साथ। सो गाइज यार एक कपल अपनी प्राइवेट गाड़ी करा के जा रहा था, तो गाड़ी वाले ने हमें भी बोला कि आप लोग इनके साथ एडजस्ट हो जाना, जो बनेगा आप दे देना। सो आप इनके साथ हम पहुंचेंगे सोनमार्ग। गाइज फाइनली दिस इज द पॉइंट, वेलकम टू सोनमार्ग, और हम पहुंच चुके हैं इस पुल पे। ये पुल है जो जहां से हम सोनमार्ग जाते हैं, सामने देख सकते हो गाइज। अब इसी को क्रॉस करके हम उस पॉइंट पे जाएंगे सोनमार्ग के, आप देख सकते हो गाइज ये हमारी गाड़ी है। सो गाइज फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं सोनमार्ग। और सोनमार्ग में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये टैक्सी स्टैंड सोनमार्ग का, और यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान मिलेगा। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का नंबर है 2106, सामने होटल। और यहाँ से अभी हम ऊपर की पॉइंट को जाएंगे, जहाँ पे हम आपको यहाँ की एक्टिविटी दिखाएंगे, कौन कौन सी यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है। सो गाइज हम आपको ले चलते हैं अभी ऊपर।
आप देख सकते हैं यहाँ पे सोनमार्ग में हसीन पल, हसीन वादियाँ, हर जगह बर्फ ही बर्फ। और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए यहाँ वीडियो बनाने आया, क्योंकि यार मेरे कुछ दोस्त है, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा यार आप अगर कश्मीर जा रहे हो तो गुलमार्ग और सोनमार्ग जरूर घूम के आए। तो आप लोगों के कहने से मैं जरा, ये सामने आप देख सकते हो स्नो बाइक, इसे बोलते हैं स्नो बाइक एक्टिविटी। एक और देख सकते हो आप, ये क्या ऊपर पॉइंट से लेकर है, ये सब यहाँ पर मेनली यार यहाँ पर स्नो बाइक ही है ज्यादा एक्टिविटी के लिए। बाकी स्लेज वगैरह तो आपको गुलमार्ग में मिल जाएंगे, लेकिन ये स्नो बाइक सिर्फ आपको यहाँ पे सोनमार्ग में ही मिलेगी। तो गाइज फाइनली सोनमार्ग में ज्यादा से ज्यादा आपको ये होटल्स मिलेंगे जो कि अभी बिल्कुल स्नो से कवर है, और चारों तरफ आपको बर्फ मिलेगी, ये देख सकते हो। और कुछ एक्टिविटी मेनली तो यहाँ पर यार स्नो बाइक ही है, स्नो बाइक एक्टिविटी मेनली है यहाँ पर। बाकी स्लेज वगैरह तो आपको गुलमार्ग में मिल जाएंगे। सो अभी आपको मैं ले चलता हूँ थोड़ी और आगे और दिखाते हैं यहाँ पर और मेन क्या क्या है। सो गाइज यार आपको यहाँ पर कुछ खाने पीने की स्टॉल मिल जाएगी जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये दुकानें हैं इधर भी, और ये तो आपको पता ही है एक सब बाइक्स है, ये दुकानें हैं मैगी वगैरह, किसी को अगर मैगी खाना हो चाय पीनी हो। सो मेनली ये सब कुछ है यहाँ पर सोनमार्ग में, आप देख सकते हो गाइस। भैया क्या कुछ मिलेगा खाने के लिए? चाय, मैगी, ब्रेड ऑमलेट, चाय, मैगी, ब्रेड ऑमलेट और कॉफी कावा, कॉफी कावा। और ये ऑमलेट का क्या है? ऑमलेट 50 रुपीज है। कावा? कावा भी 50 रुपीज। मैगी? मैगी भी 50। सो गाइस यार आपने रेट तो सुनी लिया, देख भी लिया आपको क्या क्या सामान यहाँ पर खाने को मिलेगा क्या नहीं। सो अगर आपका जो भी मन है कावा पीने का, ऑमलेट खाने का, सो आप वो सब ले सकते हो। बाकी मेरा काम है आप सबको ये सब सुन। सो हमने भैया जी को ऑर्डर दे दिया, मुनीश भाई ने दिया एक ऑमलेट का और मैंने दिया एक मैगी का ऑर्डर। तो देखते हैं कितनी देर हमारी मैगी और आम। सो गाइज अगर आप सोनमार्ग घूमने आए हो तो आप टाइम से 3 या 4 बजे तक ही गगनगिर के लिए वापस हो जाइए, क्योंकि उसके बाद यहाँ से कोई भी गाड़ी मिलनी बहुत मुश्किल है अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आए हो। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके आए हो तो यार आप अपनी मर्जी से जब मर्जी जा सकते हो। सो गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी थी मुझे देने। हम भी यार शेयरिंग टैक्सी से ही गगनगिर तक आए थे, हमने सोचा आगे कोई हमें टैक्सी मिल जाएगी, लेकिन हमें कोई यहाँ पर टैक्सी नहीं मिली शेयरिंग। सो हम काफी देर रास्ते में ही खड़े रहे, कम से कम 1-1.5 घंटा हम वेट करते हैं कोई आएगा हमें ले जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। हमारे साथ ये हो चुका है। सो गाइज मैं चाहता हूँ आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो आप प्लीज सब एस्टिमेट और सब चीजों को ध्यान रखते हुए ही आप यहाँ आए सोनमार्ग घूमने के लिए। Fire went out, lights went down, when you feel lost in your shadow, don't feel alone. गाइस सोनमार्ग में आपको स्लेज के जो स्लेज एक्टिविटी होती है उसके प्राइस बताता हूँ। लगभग ये बोलते हैं 700-800, लेकिन आप 300 या 400 में भी स्लेज एक्टिविटी कर सकते हो। और बात करूँ अगर मैं इस, ये जो मेरे पीछे बाइक जा रही है स्नो बाइक, स्नो बाइक की अगर मैं बात करूँ इस टाइम यहाँ पर प्राइस चल रहे हैं इनके 800-1000, इतना ये बोलेंगे, लेकिन आप बार्गेनिंग करके इनसे कम भी करवा सकते हो। स्नो बाइक वाले जो आपको ये राइड कराते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से स्टार्ट करके इस पॉइंट से और ऊपर उस पॉइंट तक, लास्ट में आपको उस पॉइंट तक लेके जाते हैं और फिर वहां से वापस इस पॉइंट तक ले आते हैं वो लास्ट में। सो इतना ही स्नो बाइक को, और आपको दिखाता हूँ मैं स्नो बाइक उधर भी करा रहे हैं उस साइड पे, उस पॉइंट पे। सो गाइस धीरे धीरे शाम होती जा रही है, सूरज छिपता जा रहा है, टाइम हो गया 4:30, और जैसे ही शाम होती जा रही है तो हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। ये मेरे पीछे आप गाड़ियों का काफिला देख सकते हो, सुनने में आया कि इनको शाम को 5 बजे ही यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, जिसमें हम भी होंगे अपनी गाड़ी में। 5 बजे से पहले किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। सो गाइज अभी वेट करते हैं, अभी आधा घंटा बाकी है। सो अभी हम वेट करते हैं अपनी गाड़ी में। सो गाइज आप ये देख सकते हो हैवी स्नोफॉल शुरू हो चुका है, और ये यहाँ की मेन एंट्रेंस है अंदर जाने की।
गाइस सोनमार्ग के इस टूर पर इतना ही सब एक्टिविटी होती है, मैंने जो जो यहाँ पर होती है मैंने आपको वो सब दिखा दी है। सो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर कुछ पॉइंट मुझसे रह गए हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सोनमार्ग के इस ट्रिप को मैं करता हूँ यहीं पर ही, बाय बाय। सो गाइज आप देख सकते हो हैवी स्नोफॉल शुरू हो चुका है और हम भी यहाँ से निकल पड़े हैं वापिस गगनगिरी के लिए।